हेलो फ्रेंड, दिस इज हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विद हिमांशु। कट ऑफ मार्क्स और पासिंग मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, तो पहले आज आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। जो लखनऊ का असेसमेंट आया हुआ 148 पेज का, उसमें लिखा हुआ देखिए 171वें नंबर पे, ऑन बींग कन्फ्रंटेड ऑन द एफोरसेड पॉइंट वगैरह वगैरह लिखा हुआ, लास्ट में लिखा हुआ है कि डिसीजन टू फिक्स कट ऑफ मार्क्स फॉर असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019। तो देखिए, कोर्ट ने इस बात को माना है कि जो 60-65% है या 40% और 45% है, ये कट ऑफ है। अब आप कह रहे हैं पासिंग मार्क है, देखिए हर कोई अपने हिसाब से परिभाषा बता रहा है पासिंग मार्क या कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं, बट कोर्ट ने भी कुछ बातों को माना है। और जितनी भी एग्ज़ाम्स कराती हैं, चाहे वो SSC कराती हैं, चाहे UPSC कराता है या फिर बैंक वगैरह कराते हैं, तो कट ऑफ मार्क्स का मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मतलब वो एक ऐसा मार्क्स होता है जिसमें आने वाले हर एक कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई समझा जाता है। देखिए, समझा जाता है, वो सेलेक्ट नहीं होता है, उस कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत आने वाला हर अभ्यर्थी नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया जाता है। मान लो SSC CGL कराता है, टायर वन कराता है, फिर टायर टू कराता है। टायर वन कराने के बाद देखो, जब टायर वन में स्टूडेंट बैठता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि उसको कितना मार्क्स ला के सिलेक्शन लेना है। अभी इन लोगों ने कहा कि हमको पता नहीं था, तो भाई जब SSC कराती है CGL टायर वन, या और भी मैं केवल SSC का उदाहरण ले रहा हूँ, तो CGL टायर वन कराती है जब, तो वो उसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी नहीं पता होता है कि मुझे कितना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है कि मैं टायर टू के लिए क्वालिफाई हो पाऊँगा। लेकिन वो एग्ज़ाम देता है और अपना 100% देता है। उसके बाद एक कट ऑफ एग्ज़ाम के बाद, रिजल्ट के बाद एक कट ऑफ डिक्लेयर करता है SSC की, हाँ इसके अंतर्गत आने वाले हर अभ्यर्थी को सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन जॉब नहीं दी जाएगी, जॉब नहीं बल्कि वो टायर टू के लिए सेलेक्ट होता है। तो कुछ लोग कहते हैं कट ऑफ में आने वाले हर एक अभ्यर्थी का सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन से नहीं मतलब है, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई समझा जाएगा। 69,000 में भी जो कट ऑफ के अंतर्गत आ रहा है 90 और 97, उसमें आने वाले हर अभ्यर्थी को अगले स्टेज के लिए माना जाएगा कि वो योग्य है। अब सिलेक्शन का आधार नहीं है, जैसे SSC करती है बिल्कुल वही। तो कट ऑफ मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो जिसके बेस पे स्टूडेंट्स अगली स्टेज के लिए क्वालिफाई समझा जाता है, ये होता है। और कट ऑफ मार्क्स और पासिंग मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये कोर्ट ने भी मतलब जगह जगह बताया है। इसमें भी देखिए कट ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है, ये जजमेंट में लिखा हुआ है। आगे देखिए एक जगह और, दैट द सिलेक्शन इन क्वेश्चन कुड बी सेव्ड फर्दर दिस कोर्ट फाइंड्स नो जस्टिफिकेशन एज टू वाई द कट ऑफ मार्क्स हैव बीन इनहेंस्ड फ्रॉम 45% to 65% and 60%। ओके, तो यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है और कोर्ट ने कहा है कि ये मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि 45% and 40% से 65% and 60% क्यों होगा, बट उसने यहाँ पे भी कट ऑफ मार्क्स ही कहा है। अब बार बार आप 40, 45 और 60, 65 को जो कहते हैं कि ये पासिंग मार्क है, तो पासिंग मार्क है या कट ऑफ है आप ही बताओ। कट ऑफ मार्क्स कोर्ट ने तो यही कहा है, और भी जगह पर कहा है। देखिए, therefore the cutoff limit has been increased does not appear to be worth acceptable। यहाँ पे भी कट ऑफ वर्ड यूज किया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ मार्क्स को समझिए, कट ऑफ मार्क्स ही आपको समझना है। आप बार बार पासिंग मार्क का रटा मत लगाया करिए, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स भी उसी से संबंधित है, ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। देखिए, इसमें भी वही बात लिखी हुई है, ये 7 जनवरी का जो पत्र है, इसमें भी वही बात में लिखा हुआ है, अर्लियर कट ऑफ मार्क्स। देखिए, यहाँ पर भी कट ऑफ मार्क्स 45% and 40% को कहा है, यानी इसके पहले जो परीक्षा हुई थी उसमें भी 45% और 40% को कट ऑफ मार्क्स कहा है, ठीक। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो कई जगह पे कट ऑफ मार्क्स की बात कही गई है, यहाँ तक कि कट ऑफ मार्क्स को डिस्क्राइब भी किया गया है। अब मैं आपको 2015 की SSC की एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, 2015 का टायर वन का ये है नोटिफिकेशन है, बहुत मेहनत से 2015 का मिला है। इसमें जो SSC 2015 कराता है, तो यहाँ पे भी टायर टू के लिए कट ऑफ मार्क्स बताया गया। देखिए, कट ऑफ मार्क्स कैंडिडेट क्वालिफाइड कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ कैंडिडेट हुआ है क्वालिफाइड फॉर टायर सेकंड एंड कट ऑफ अप्लाइड फॉर एस अंडर। तो ये कट ऑफ आप देख पा रहे हैं, ये कट ऑफ है 2015 की। इसमें आने वाले हर एक अभ्यर्थी को स्टेज टू, यानी टायर टू जिसको कहो, टायर टू के लिए उसको क्वालिफाई समझा जा रहा है। ये नहीं है कि वो सारा नौकरी पा जाएंगे, वो सारे अभ्यर्थी नौकरी नहीं पाएंगे। इसी तरह SSC 2016 का भी आप देखिए, टायर वन यहाँ पे भी कराता है, टायर टू में भी वो सिलेक्शन के लिए 114 देखिए SC की कट ऑफ गई है। हालांकि इसके पहले देखिए कितनी कम गई थी, 80 गई थी, ये इतना तेज़ी से बढ़ गया। तो कट ऑफ मार्क्स इस
कैटेगरी में आने वाले हर अभ्यर्थी को टायर टू के लिए योग्य समझा जाएगा, न कि नौकरी पाने के लिए। इसलिए कट ऑफ मार्क्स में डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये जो 40-45 और 60% कट ऑफ मार्क्स ही एग्जाम के बाद लगाया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपको प्रूव करना है। और एक बात और है कि मैं भी एक स्पेशल अपील करने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये कि मैं भी 60% के पक्ष में बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो खुद मेरे पास हैं, खुद मैं डिलीवर नहीं करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को डिलीवर करता हूँ, कुछ लोगों को पोस्ट के माध्यम से भेजता हूँ तो तुरंत मेरे पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। प्रयास करता हूँ कि मैं इन लोगों को बताने का प्रयास करूँ लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि स्पेशल अपील एक मैं करूँ। और बहुत ज़्यादा मोस्ट सीनियर को उतारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2-3 मोस्ट सीनियर और एसडी वगैरह हैं ही। तो मुझे एक ऐसे मतलब वकील की ज़रूरत है, मैं उनको हायर करूँगा जो मेरी उन बातों को कोर्ट के सामने रख दे जो मैंने 40-45 पेज और 10-15 जजमेंट जो मैंने जुटाए हैं, जो कि मैंने अभी आपको पब्लिकली 2-3 दिखाए हैं, तो उसको मैं ताकि कोर्ट तक पहुँचा सकूँ। और इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत होगी। और आप लोग अगर वाकई में 60-65 होगा या नहीं होगा ये तो अभी कोर्ट में पड़ा हुआ है, बट अपना प्रयास करना है। यूट्यूब पर कुछ लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ यूट्यूब पर बैठे रहते हैं, यूट्यूब पर बैठ के वीडियो बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अभी इसी में शामिल हूँ। अगर मुझे जॉब मिल जाती है 60-65 या जित कटा पे भी, मैं वीडियो क्यों 69,000 रुपये बनाऊँगा। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी आपकी तरह पीड़ित हूँ। मैंने भी वही सपना देखा था 15 फरवरी की नियुक्ति वाला, है ना। और मेरे भी वही माँ बाप हैं जो मुझसे आपके माँ बाप उम्मीद लगाएं। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी कोर्ट के सामने पहुँचूँ इस बातों को लेकर, बहुत सी बातों को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल पर जुड़े रहेंगे और मेरे साथ रहेंगे, और जो भी ज़रूरतमंद हैं वो इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।